हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉय व्यू। तो आज मैं आपके सामने जो ऐसी चीज, एक ऐसा गैजेट लेके आने वाला हूँ जिसको हर एक अगर कोई बच्चा देखेगा भी तो वो देखते ही बोलेगा कि भाई मम्मी पापा मुझे आज वो चीज दिलवा ही दो। तो जी हाँ, आज मैं आपके सामने एक ऐसा गैजेट लेके आ रहा हूँ जो बच्चे को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और इसका यूज हम डेली लाइफ में भी करते हैं और बच्चे बहुत आसानी से इसे फन लविंग तरीके से लेंगे। वो प्रोडक्ट है हमारे सामने जो कि है, जी हाँ, किड्स डिजिटल कैमरा। ये एक ऐसा गैजेट है जो हर एक बच्चे को बहुत पसंद आने वाला है, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता भी है कि आज का जो दौर चल रहा है वो YouTube का दौर चल रहा है और YouTube में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो बच्चे जो हैं, किड्स जो हैं, बचपन से ही इस चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं कैसे वो कैमरा संभालना है, कैसे काम करना है। बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पे जाएंगे तो वो खुद ही जाके ये इंजॉय कर सकते हैं, खुद ही पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, खुद ही वीडियोस बना सकते हैं। तो जी हाँ, मैं करण सोनी अपने चैनल पे इसी टाइप के प्रोडक्ट्स की लाके अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। तो जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक डिजिटल कैमरा है, बहुत खूबसूरत है, जिसके यहाँ पे टू कलर्स मेंशन है। वैसे ये ओरिजिनली इसमें तीन कलर्स आते हैं, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। आपको दिखाई दे रहा है इस पे ब्लू पेटिक हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो है ब्लू कलर का कैमरा निकलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग की गई है जो कि है चिल्ड्रन डिजिटल कैमरा। एंड इसके कुछ ऐसे फंक्शंस होने वाले हैं जो कि है वीडियो कैप्चर भी करेगा, फोटो कैप्चर भी करेगा, कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होगा, बैटरी बिल्ड इन रिचार्जेबल बैटरी भी इसके अंदर है, और जी हाँ एक्सपेंडेबल मेमोरी भी है, यानी कि इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा के कैप्चर कर सकते हैं और मेमोरी को इनक्रीज कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो कि कैमरे के अंदर ही है, जो कि इसमें है कि एक बच्चे आराम से इसमें गेम भी खेल सकते हैं। जी हाँ, गेम भी खेल सकते हैं। तो चलिए करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। ये देखिए, पूरा फोन की तरह बॉक्स है और ये जी निकला हमारा कैमरा, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर का निकलने वाला है। तो ये कैमरा आ गया इसका, ये इसका कैमरा है। और देखते हैं इसके साथ कि ये एक स्ट्रैप मिल रहा है जिसको आप बच्चे जो है इस कैमरे को नॉट टाई टाई करके इसको गले में हैंग कर सकते हैं। एंड जी हाँ, ये किसकी मिल रही है, डाटा केबल, जिसके ज़रिए आप इसको चार्ज भी करेंगे एंड जिसके ज़रिए आप इसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट करेंगे। जो भी पिक्स हैं, वीडियोस हैं, वो आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपने कोई भी कंप्यूटर में, किसी भी टाइप के गैजेट में आप इसके ज़रिए उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको तो फ़िलहाल करते हैं साइड पर। पहले तो देख लेते हैं हम इस कैमरे के बारे में। ये आपको दिखाई दे रही है इसकी बॉडी, कितनी ही ज़्यादा फिनिश्ड बॉडी है। जी देखिए, पीछे बैक साइड पे इसकी स्क्रीन भी दी हुई है, एक एलईडी स्क्रीन दी हुई है जिसके ज़रिए जो भी कुछ पिक्चराइजेशन होगी वो इसके ज़रिए दिखेगी। यहाँ पर एक छोटा सा नॉच भी दिया हुआ है जिसके ज़रिए आई थिंक, मेरे ख्याल से नहीं, एक मिनट, नहीं इसमें से नहीं दिख रहा, अभी तो कैमरा बंद है, शायद अगर ऑन हो तो शायद दिख जाए। ये इसका कैप्चर बटन है दिखाई दे रहा है, जिसपे एक यहाँ पे कैमरे का साइन बना हुआ है, एक ये वीडियो का भी साइन बना हुआ है। एंड ये कुछ इसके बटन्स दिए हैं जो कि मल्टी फंक्शन होने वाला है, यहाँ पे फ्रंट पे आ जाते हैं। ये इसका जी प्रॉपर लेंस है, जैसे कि हमें बड़े बड़े महंगे महंगे कैमरेज में नज़र आता है और जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में नज़र आता है, वो एक छोटे से बच्चे के कैमरे में भी है। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, ये छोटे से स्पीकर्स लगे हैं, ये छोटा सा एक नॉच, ये एक स्पॉट दिखाई दे रहा है जहाँ से ये आई थिंक सो माइक्रोफोन है जो इधर उधर की वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। ऊपर ये स्पीकर्स के ग्रिल है, ये आ गया आपका लेंस। तो गाइस, बहुत अच्छा सा फीलिंग आ रही है यहाँ पे। साइड पे से देखें तो यहाँ पे इसका चार्जिंग मोड है और यहाँ पर इसके डलने वाली है क्या, मेमोरी कार्ड। तो चलिए अभी वो स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम इसको चार्ज करेंगे, चार्ज देख लेते हैं पहले है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो हम उसे चार्ज करते हैं। लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा हमें चालू करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, चालू हो चुका है। लो ये देखिए, पूरी स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है।
ये देखिए, ये बॉक्स नजर आ रहा है इसके अंदर, ये ग्लोब, ये पूरी पिक्चराइजेशन हो रही है। यहाँ पर मेमोरी कार्ड का साइन दिखा रहा है, इसमें मेमोरी कार्ड अभी डला नहीं है, बैटरी अभी है फिलहाल, चलिए देख लेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि डेट भी आ रही है, डेट अभी आगे पीछे हो रखी है, वो मैं सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, टाइम भी मैंशनड है। चलिए एक बार पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं अंदर क्या क्या अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देते हैं इसके फंक्शन, देखिए सबसे ये पहले ऊपर वाला बटन है, इसको क्लिक करते हैं। जी ये देखिए, इसका पूरा का पूरा चेंज हो गया, यानी ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये ब्लू कलर हो गया, यानी कि इसकी पूरी की पूरी जो शेड है वो चेंज हो रही है, यानी कि जो कलर चेंज करी है, देखो ग्रीन कलर हो गया, ये फिर से ट्रांसपेरेंट, ये रेड कलर, ये नॉर्मल में आ गया वापस से। ये देखिए आप देख ही रहे हैं जैसे कि फ्रेम के साथ लगी हुई है, हैप्पी बर्थडे फ्रेम आ चुका है, मतलब किसी की भी अगर फोटो खींचना है तो सीधा हैप्पी बर्थडे से खींच सकते हैं। ये देखिए कितने सारे फ्रेम्स है गाइस, आपको देख ही रहा होगा, बच्चे तो सही में यार इंजॉय करने वाले हैं इस चीज को। चलिए बाकी बटन भी देख लेते हैं, ये वाला, यहाँ पे जी पूरी सेटिंग आ चुकी है जैसे कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइज 1080 पे, एक सेकेंड, अगर हमें इस फंक्शन के अंदर जाना है तो हमें ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें 1080 पिक्सल पे भी कर सकते हैं, 720 पे भी कर सकते हैं और VGA मोड पे भी कर सकते हैं। चलिए बाहर जाते हैं, नीचे आएंगे, ये टाइम स्टैम्प यानी कि जो नीचे टाइम आ रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया था वो है, ये वॉइस रिकॉर्ड ऑन है, मतलब वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकता है, अगर आप चाहें बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं वॉइस को। साइज देखते हैं, साइज में 1.3 mm दिया हुआ है, 2 mm है और 3 mm है और VGA मोड, आई थिंक सो ये पिक्सल के केस में है, तो अपने को जैसा है सेटिंग वैसे ही रहने देते हैं बिना छेड़े। डिलीट, अगर कोई पिक्चर वगैरह है इसमें तो डिलीट करना चाह कर सकते हैं। फॉर्मेट इसमें जो है जैसा भी चल रहा है अभी दिखाई दे रहा है आपको, लैंग्वेज इंग्लिश है। ऑटो ऑफ, अगर कैमरा आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है, तो हम इसको, अरे एक सेकेंड, ये ऑटो ऑफ के अंदर जाते हैं, तो ऑटो ऑफ 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट यानी अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो फिलहाल अभी इसको बंद ही रहने देते हैं। लाइट फ्रिक्वेंसी इसमें छेड़ सकते हैं। डेट इनपुट, अब जैसे नीचे डेट आ रही है इसको यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ये सिस्टम रीसेट, अगर आपने कुछ चेंज करा और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप सीधा यहाँ पर जाके ओके कर दीजिए तो ये वापस से अपना सिस्टम रीसेट हो जाएगा। वर्जन किस टाइप में वर्जन है देख लेते हैं एक बारी। जी हाँ, ये कैमरे का वर्जन आ रहा है यहाँ पे। और लास्ट में आ जाती है जी गेम, एक बार देखते हैं गेम चला के। यार हमारे पास यहाँ पे 4 types की गेम है। सबसे पहला आ जाता है स्नेक, चलिए स्नेक चालू करते हैं। जी हाँ, ये स्नेक आ चुका है, ये देखिए ये स्नेक है, बड़ी अच्छी सी लग रही है यार गेम। हम ये पहले के टाइम पे खेलते थे, जो पुराने पुराने फोन्स आते थे उनमें यही वाली गेम्स होती थी, और बकायदा वो जो होते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोन होते हैं। देखिए यहाँ तो पूरे कलर्ड स्क्रीन दी हुई है यार इतने से कैमरे के अंदर, पता नहीं कैसे आजकल की टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ तक जा रही है, बच्चे इसको पूरी तरह इंजॉय करेंगे, गेम तो है ही है भाई। चलिए एक बारी ऑफ करते गेम को, यहाँ से दबाया गेम ओवर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, गेम के अंदर चलते हैं, ये क्या है भाई देखते हैं, सोको बैन, ओके ये बॉक्सेस वाली, ये बचपन में बहुत खेली है भाई हमने, ये बॉक्स को सारे डॉट्स पे लेके जाना है हमने। ये विन, नेक्स्ट राउंड आ गया, जैसे जैसे देखो राउंड जीते रहेंगे लेवल उसका और टफ होता जाएगा, तो अपने को ये देखिए मैं अब यहाँ पे फंस गया, मैं आउट हो गया ये क्योंकि ये बॉक्स गलत चला गया। बहुत इंजॉयबल गेम है। दूसरी देखते हैं गेम्स, अभी इसी की तरह इसमें एक मेज और एक गैस करके गेम है, देखते हैं एक बार इसको भी, ओके ये मेज की तरह है, ठीक है ये हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना, तो ये एक जैसे भूल भुलैया मेज का एक फील दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे आपने पार करना है, इसको भी करते हैं। मतलब बच्चे कुछ भी है, इसमें गेम्स की भी पूरी भरपूर क्वांटिटी दे रखी है कि बच्चे, मतलब ये कैमरा चाहिए बस बच्चे को और ये आसानी से खेल सकता है पूरा का पूरा। ये गैस आ गया, देखते हैं गैस भी, लिखा है द अप एंड डाउन कीज चेंज द नंबर
okay to continue. Okay. Guess too small. Okay. नंबर बढ़ाते हैं. चलिए. भाई ये क्या है? The up and down keys change the number and okay to continue. भाई कर दिया. Too small. आगे करते हैं चलिए. ओके आई थिंक सो ये वो वाली गेम होगी कि जैसे कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर देते हैं और सामने वाले पर्सन से पूछते हैं कि भाई क्या नंबर सिलेक्ट करा, तो उसमें ये दिखा सकते हैं. चलिए कोई भी है. तो ये गाइस आपको इसके इनबिल्ट फंक्शन नजर आए. चलिए अब जल्दी से, अब ये कैमरा है तो इसकी फोटो क्लिक करते हैं क्योंकि कैमरे का वजूद असली फोटो के साथ ही है. तो करते हैं फोटो क्लिक. चलो भाई चलो बाहर चलते हैं. जी हाँ अब ये कैमरा आ गया तो फोटो क्लिक करते हैं. उप्स नो कार्ड. चलिए इसमें पहले कार्ड डालते हैं. जी ये आ चुका है कार्ड. ये है 2 GB का, 2 GB का कार्ड है. तो चलिए इसको साइड से डालते हैं इसके अंदर और देखते हैं कनेक्ट है कि होता है या नहीं. ये कार्ड ओहो भाई डालते ही इसने एक्सेप्ट कर लिया. गाइस आप देख ही सकते हैं. तो चलिए अब जल्दी से इसकी लेते हैं अच्छी से पिक्स और देखते हैं कि काम कैसे करता है और इसकी वीडियोस के सैंपल मैं आपको दिखाता हूं. तो गाइस ऐसे ये फोटोज देखिए आप. तो गाइस बेसिक फीचर में तो बहुत बढ़िया, और अगर हम इसके कैमरे की क्वालिटी देख लें तो भाई इतनी अमाउंट में इतनी चीज मिल रही है, तो यानी कि यार मैं तो इस चीज का बहुत बड़ा फैन हो गया भाई कि इतनी सी छोटी सी चीज. और अगर देखें बच्चे, अगर हम इसका साइज देखें, इसके अगर बॉडी का बनाने का डिज़ाइन देखो, तो इतना बढ़िया सा डिज़ाइन है कि बहुत हैंडी है, आसानी से इसको पकड़ सकते हैं. और मतलब बच्चे पूरी तरह एंजॉय करने वाले अगर उनको ये सामान मिलता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे जाते हैं तो अगर कुछ उनको चीज़ें अच्छी लगती है तो वो खुद ही जाके क्लिक कर सकते हैं, पिक्स को खुद ही क्लिक कर सकते हैं. मेमोरी कार्ड में ऑटोमेटिकली स्टोर होता जाएगा और अराउंड 32 GB तक इसकी मेमोरी जो एक्सपेंडेबल है, कि मतलब 32 GB का इसमें आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो. तो यानी भरपूर फोटोएं खींचो, भरपूर वीडियोस बनाओ. आपके पास बस लाइट, डे लाइट होनी चाहिए. जितनी अच्छी लाइट होगी, जितनी ज़्यादा लाइट होगी, उतना ही ज़्यादा इसमें अच्छी फोटोज़ आने वाली हैं. तो गाइज मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को पूरी तरह थम्स अप है. किसी को भी अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो ये प्रोडक्ट यूनिवर्सल स्टोर पे अवेलेबल है. तो प्लीज़ जाके आप ये इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको ये प्रोडक्ट आपके डोरस्टेप तक पहुँचा दिया जाएगा. तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, बच्चों को दिखाएं, उनको ये प्रोडक्ट दिखाएं. बहुत किफ़ायती प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्क्रीन के साथ है, तो मज़ेदार प्रोडक्ट है. और आई होप मैंने इसके सारे फीचर्स आपको दिखा दिए. तो गाइस मिलते हैं किसी और अच्छी यूनिक टॉयज़ के साथ, यूनिक वीडियोज़ के साथ किसी और दिन. तब तक के लिए बाय बाय.